हेलो गाइस, तो यार आज हम बनाने वाले हैं ये मैनिपुलेशन। ठीक है, सिंपल सी है और मज़ा भी आएगा इसे बनाने में और आसानी से समझ भी आ जाएगी। तो चलते हैं फिर हम वीडियो की तरफ। तो ये बनाने के लिए सबसे पहले आपने साइज़ ले लेना है। ठीक है, आपने लिखना है इधर 1920, ठीक है, 1080 और 600 के साथ RGB कलर, और क्लिक करेंगे। ठीक है, और ये वाला कलर ले लेते हैं हम। कलर हम कोई भी वैसे ले सकते हैं, और हमारे पास ये फाइल पड़ी हुई है। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो उधर से आप ये फाइल डाउनलोड कर सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी की। तो इसको लेके चलते हैं फोटोशॉप में। ठीक है, ये फोटोशॉप में आई। अब इसका जो है ना, हमने PNG करना है इसको, और ये जो जितने भी ये ट्रांसपेरेंट नहीं है बेसिकली, ये नज़र आ रहा है मैं ट्रांसपेरेंट, ये असल में JPG फाइल है। ठीक है, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको मास्किंग कर देते हैं। ठीक है, तो कहीं से हमें कुछ डिलीट भी करना पड़ जाए तो वो आसानी से वापस उसको रिकवर कर लें। ठीक है, और सबसे पहले हमने कलर लेना है जी। कलर हम ले लेते हैं यही वाला, और वो देते हैं हम बैकग्राउंड में, ये वाला दे देते हैं। ठीक है, और डार्क दे देते हैं ये वाला सही है। ठीक है, और इसको हम देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेडियंट, इसमें गए और ये हमें ऑलरेडी एक ग्रेडियंट मिल गया है। ठीक है, हमने कलर जैसे ही पिक करते हैं तो हमें ग्रेडियंट की उधर वैरायटी दे देता है मिक्स करके ना। ठीक है, तो इसको हम ले आते हैं थोड़ा सा नीचे इधर, और कैक्टस का हमें जो है ना प्लांट भी ये पड़ा है, यही वाला ले लेते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें आपने बनानी है उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। ये मैं कैक्टस का प्लांट लिया और इसको मैंने कर दिया इधर फिट। ठीक है, अब इसको भी हम PNG करेंगे कि हम लेते हैं मैजिक मैन टूल, इधर क्लिक करते हैं और फिर आएंगे इधर जाएंगे और सिमिलर करेंगे। तो ये हमारे पास जो छोटी छोटी इनर स्पेसेस वगैरह हैं ये भी फिल हो जाएंगी। इसको मैं करूँगा मास्किंग। मास्किंग अब कैसे करनी है, ये सारी इनवर्स हो गई है। आप इसे Ctrl+I के साथ करेंगे। ठीक है, Ctrl+I करते हैं, सॉरी ये सिलेक्ट है अभी। तो अभी इस तरह अगर सिलेक्ट हो जाए तो आपने क्या करना है, Alt दबाना है और इस मास्क के ऊपर क्लिक कर देना है, तो इनवर्स जो है ना मास्किंग हो जाएगी आपकी। ठीक है, और नीचे वाले को हम कर देते हैं डिलीट। हम ब्रश लेंगे और ये मास्किंग भी सिलेक्ट करेंगे, और ये हम कर देते हैं इसको इधर से रिमूव, मास्क कर दिए। अभी हमने इसको फिट करना है उसके अकॉर्डिंग, तो इधर से मैं कर देता हूँ ओपेसिटी इसकी 50, और इसे कर लेते हैं जी Ctrl+T, ट्रांसफॉर्म शिफ्ट के साथ करना है आपने ये। ठीक है, ये इसमें आपने फिट करना है इसको शिफ्ट और आल्ट के साथ। ये मेरे पास 2018 वर्जन है, आप जहाँ भी इसको आपको सूटेबल लगे वहाँ पे आप इसे फिट कर सकते हैं। ये मैं शिफ्ट और आल्ट के साथ कर रहा हूँ, ये आई थिंक इतना काफ़ी है। कंट्रोल दबाकर इसको एज को मैंने सेलेक्ट किया है, और ऐसे ही इधर से करूँगा मैं ताकि थोड़ी सी फीलिंग आए ये टॉप है, थोड़ी सी आइसक्रीम वाली फीलिंग आनी चाहिए ना ये। अभी मैं इसकी कर रहा हूँ दोबारा मास्किंग। कैसे करूँगा, आपने ये जो एजेस हैं ये सिलेक्ट करने हैं, मैं B दबा रहा हूँ, ब्रश सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और ये देखें आल्ट के साथ अगर मैं लेके जाता हूँ राइट पे तो ये बड़ा होता है, लेफ्ट पे लेके जाऊँगा तो ये छोटा होगा। ठीक है, ब्रश, और अगर ऊपर लेके जाऊँगा तो ये सॉफ्ट होगा, नीचे लेके जाऊँगा तो थिक होगा। तो मैं इसको बिल्कुल थोड़ा सा सॉफ्ट करता हूँ, इसे थिक इतना ही रहने देता हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ी सी ओपेसिटी और कम कर लेता हूँ, और इधर लगाता हूँ ब्रश को, ये देखें। ठीक है, ये आपने करना है, ये आप जितना इजी होके करेंगे उतना बेटर रिजल्ट आएगा इसमें। साइड भी कर लेता हूँ मैं ताकि साथ के साथ काम नबेड़ दूँ, और ब्रश का साइज मैंने बड़ा कर लिया और ये हमारा काम।
जल्दी जल्दी हो गया है तकरीबन। ये देखें, इधर से आप कर सकते हैं, ऐसे स्वैप कर सकते हैं, एक्स के साथ भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। अगर मैं एक्स दबाऊंगा, ठीक है, तो ये वापस आने लग जाएगा, ठीक है, ब्लैक आ जाएगा, तो फिर ये वापस रिवर्स होगा, यानी ये देखें वाइट के ऊपर वापस आएगा और ब्लैक के ऊपर चला जाएगा, ये इन्वर्स के साथ है ये बेसिकली, ठीक है। ये हमारा हो गया, तो अभी हम इसकी ओपेसिटी करते हैं ज़्यादा, ये देखें, ठीक है। अभी हमने देना है इसको शेडो, शेडो कैसे देंगे, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, न्यू लेयर बनाएंगे और इधर से मैं करूँगा डी और ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट कलर आ जाएंगे। तो फिर मैं ब्रश सेलेक्ट किया मैंने, ठीक है, और इसको मैंने कर लिया सॉफ्ट ऊपर की तरफ ना, और हल्के हल्के जो है ना मैं ऐसे कर लूँगा ये। अभी आपको समझ नहीं आ रही लेकिन मैं आपको भी दिखाता हूँ ये हो क्या रहा है इसके। और इधर आऊँगा मैं बिटवीन लेयर्स के कर्सर लेके जाऊँगा और ये हमारे पास चेंज हो गया क्लिपिंग मास्क में, देख रहे हैं ये। अभी देखें इसका शेडो, बेसिकली हमें शेडो चाहिए था ताकि उसके लगे उसके अंदर है, तो इसके अंदर भी मैं थोड़ी सी मास्किंग करता हूँ, शेडो ज़रा ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया बराली साइड पे, ये ठीक है। इसको आप थोड़ा सा डिफरेंट कलर भी कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल मैं यू सेचुरेशन में जाता हूँ और ये क्लिपिंग मास्क के साथ है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, हैंड को इस पर आता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने और इसको मैं थोड़ा सा डिक्रीज़ कर देता हूँ और इसकी जो है मैं कलर चेंज करूँगा, थोड़ा सा कौन टाइप का ही मिक्स वैल्यू दूँगा, ये कौन ही लगेगी ना, ये थोड़ा सा आ गया, इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ ऐसे और इसको ले जाता हूँ थोड़ा सा आगे की तरफ। फिर मैं आता हूँ कलर बैलेंस में और इसकी वैल्यू भी मैं ऐसे ही करूँगा, ठीक है। ये आपने अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर लेना कि कहाँ पे एडजस्ट होगा, ये मैं लुक देना चाह रहा हूँ थोड़ी सी चॉकलेटी आ जाए, ठीक है, ये देखें चॉकलेटी लुक आ गई है इसमें और ये कैक्टस भी लग रहा है, आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं इसे, ठीक है, ये देखें। अब ये साफ आपको पता चल रहा है कि थोड़ी सी चॉकलेटी फील आ रही है ये, लेकिन ये प्लांट का एक कैक्टस का ये, ठीक है, कोई भी खाएगा उसे कांटे तो ज़रूर लगेंगे। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो हम मज़ीद क्रिएटिव करेंगे उसमें कुछ, तब तक के लिए बाय।